भागदार कामयाब। IMF मान गया, बजट में बड़ी तब्दीलियां। बजट 2023-24 में बड़ी तब्दीलियां। 215 अरब रुपए के नए टैक्स, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि स्टेट बैंक ने कुछ पाबंदियां लगाई थी, लेकिन अब स्टेट बैंक ने तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। स्पीकर कौमी असेंबली की जेरे सदारत इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर बराए खजाना इसहाक डार ने एक तरफ 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद करने की खबर दी, तो दूसरी तरफ कहा कि अब बिजनेसमैन और इंडस्ट्री के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए बजट में होने वाले बदलाव के बारे में बताया और कहा कि कुछ हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है। कल हमने एक खसूसी हज फ्लाइट अरेंज की है जो कि सऊदी प्रोटोकॉल और अथॉरिटी के साथ तय है, वरना 22 से 23 के दरमियानी शब बंद कर दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजाज कराम मीना में जा रहे हैं, कल सुबह सवेरे फ्लाइट है। जिन्होंने फैसला किया है वो तैयार रहे, वहाँ हमारे लिए दुआ करें, उनकी आवाज भी इसमें शामिल होगी। इसकी वजह से पाकिस्तान के चंद सालों से सामने आने वाले मसाइल से अल्लाह हमें निजात दे देगा। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि बजट पर मौजूद अरकान की जानिब से मुख्तलिफ मशवरों पर गौर किया गया है। मैं बिलावल भुट्टो, राजा रियाज और तमाम अरकीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अरकीन ने इस हवाले से अपनी अपनी आरा भी पेश की। ख्वातीन अरकीन ने भी बजट बहस में भरपूर हिस्सा लिया। वजीर खजाना ने सबका शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने कहा कि मौसमियाती बदलाव, आबी सिक्योरिटी, बढ़ती आबादी की रोकथाम, EOBI की पेंशन, रूस से कारोबार, बलूचिस्तान, फाटा और पाटा की तरक्की के लिए बेहतरीन मशवरे इस ऐवान को दिए गए। सेनेट ने भी बहुत मुफीद मशवरे दिए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि एंडोमेंट पर 15% और बोनस शेयर पर 10% टैक्स लगाने का कहा गया है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि कायमा कमेटी बराए खजाना की सिफारिशात हमारे लिए मशअले राह हैं। सेनेट की 59 में से 19 सिफारिशात अमूमी नौयत की थीं। सेनेट के मुतअद्दिद मशवरे मान लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेनेटर्स ने सूद के खात्मे की सिफारिश पेश की हैं। दिफाई बजट में इजाफे से मुतल्लिक भी कुछ अहम मशवरे सामने आए हैं। शमसी तवानाई के शोबे के फरोग समेत 59 मशवरे शामिल हैं। ऐवान बाला की जानिब से मजबूरी तौर पर 59 सिफारिशात आई हैं, उनमें से 19 आम नौयत की थीं। मौजूद मेंबरान सेनेट ने बजट बहस के दौरान भी अपने कीमती मशवरे दिए, जिनमें से सूद के खात्मे, दिफाई बजट में इजाफा, गैर जरूरी अखराजात पर काबू, लैपटॉप स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सस्ते दामों फरहमी, बीज, खाद और शमसी तवानाई की पैदावार पर सब्सिडी, सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना, IT को फरोग देना शामिल है। उनका मजीद कहना था कि जिन मसलों पर अमल दरामद मुमकिन होगा उनको मंजूर कर लिया जाएगा। खजाना ने कहा कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारिफ करवाया गया था, इसे मजीद बढ़ावा दिया जाएगा। सुपर टैक्स को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपए तक लेकर जाया जाएगा। सुपर टैक्स उन लोगों पर आयद किया गया है जो इसे अदा कर सकते हैं। इसहाक डार के मुताबिक नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने से मुतल्लिक भी अहम मशवरे सामने आए हैं। सुपर टैक्स कुछ बदलाव के साथ बरकरार रहेगा। उनका मजीद कहना था कि बाज़ मेंबरान ने बोनस शेयर पर टैक्स लगाने की मुखालफत की है। कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश और बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं, जिससे शेयर होल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम हासिल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर मौसूल होने वाली नकद कैश पर 15% टैक्स अदा करते हैं। दूसरी सूरत में बोनस शेयर की सूरत में मिलता है, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होता। इस सूरत में हमने कैश एंडोमेंट और बोनस शेयर दोनों पर टैक्सेस लगा दिए हैं। साथ ही बोनस शेयर के लिए कम शरह रखी गई है, इसके लिए 10% का हिस्सा कहा गया है।
जब बजट पास होगा तो लागू हो जाएगा। ये टैक्स कंपनी नहीं बल्कि जिसको बोनस शेयर मिलेंगे वो अदा करेगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुतारिफ करवाए गए 99D सेक्शन पर अपने तहफुजात का इजहार किया है, जो वफाकी हुकूमत को इस शख्स से 50% इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तियार देता है जिसने इससे खारजी अवामल की वजह से गैर मुतवक्का मुनाफा कमाया हो। इसका हदफ खास शख्स या कंपनी नहीं है। अगर हुकूमत इस बात का तायुन करती है कि ऐसे शोबे ने खारजी अनासिर से फायदा उठाते हुए गैर मुतवक्का मुनाफा कमाया है तो ये टैक्स पूरे शोबे पर लगाया जाएगा, ना कि किसी एक कंपनी पर। ये कॉरपोरेट सेक्टर पर टैक्स लगेगा, ये किसी इंफरादी हैसियत पर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ने दरामदाज से पाबंदियां उठा ली हैं, सख्तियां खत्म होने से सरमायाकारों को फायदा होगा। इसहाक डार के मुताबिक गैर मुतवक्का मुनाफा पर पूरी दुनिया में टैक्स लागू होता है। उनका कहना था कि मुसल्ला अफवाज अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला कर रही है, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए दिफाई बजट बढ़ाया गया है। दिफाई बजट बर वक्त जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि सरकारी मुलाज़मीन की कम से कम सैलरी 32,000 रुपए की गई है, पेंशन में भी खातर खा इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंखे महंगे नहीं किए, बिजली बचाने के लिए इकदाम किए हैं। पंखे बनाने वाले इदारों को 6 महीने का वक्त दे दिया है। उनका कहना था कि रमजान पैकेज के लिए 5, वज़ीर आज़म पैकेज के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए 466 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। इसहाक डार ने मजीद कहा कि दिफाई बजट के जिम्मे में तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी, कबायली इजला के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान बैरूनी अदायगियां बर वक्त करेगा। पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियां वक्त पर करनी है, बैरूनी अदायगियां करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की बचत पॉलिसी को बरकरार रखा जाएगा, सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ एक इदारे से पेंशन मिलेगी, ग्रेड 17 से ऊपर रिटायर्ड मुलाजमीन को एक इदारे से ही पेंशन दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी जाएगी। रिटायर्ड मुलाजमीन के इंतकाल पर बच्चों को 10 साल तक पेंशन मिलेगी। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि आने वाले 2 या 3 दिन में बजट 2023-24 पास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में इजाफा किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता मामूल के माशी हालात की जानिब जा रहे हैं। तमाम शहरी वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें, ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि नॉन फाइलर्स की रकम निकलवाने पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। फूड सिक्योरिटी, मौसमियाती तब्दीली, ज़रात के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए कम से कम उजरत 32,000 रुपए कर दी गई है। EOBI की पेंशन 10,500 रुपए करने की तजवीज दी है। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि हुकूमत ने तेल की कीमतों में कमी का फायदा आम आदमी तक पहुंचाया है। 1 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। उनका मजीद कहना था कि कौमी बचत की स्कीम्स में सरमायाकारी की हद 75 लाख रुपए की जा रही है। बेनिफिट अकाउंट में भी सरमायाकारी की हद 75 लाख करने का फैसला कर लिया गया है।